आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल भाजपा के जिस नेता की मौत हो गई है विधानसभा मार्च करते हुए, वो मौत की कड़ी जो है सुलझ नहीं रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता सम्राट चौधरी से लेकर अश्विनी चौबे ने कहा है कि लाठी लगने से उनकी मौत हुई है। विजय सिंह महामंत्री थे जहानाबाद जिले के और उनकी मौत हो गई है। लेकिन कल देर रात एसएसपी पटना के राजीव मिश्रा ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया, उसे हम तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। देखिए फुटेज में वो गांधी मैदान या फिर आप कह लीजिए कि विधानसभा के तरफ वो नहीं दिख रहे हैं, छज्जू बाग से उनकी ये सीसीटीवी फुटेज आ रही है उनके सड़क पर गिरने की, जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और जिसे एसएसपी पटना राजीव मिश्रा ने जारी किया है। तो आपने ये तस्वीरें देखी। दूसरी तरफ एक तस्वीर और आ रही है जिसमें उनके साथी ने कहा है कि नहीं, ये डंडा लाठी से चोट नहीं लगी है इनको, ये सड़क पर गर्मी से हो या जैसे हो वो गिर गए हैं। उनके साथी को भी जरा सुनवा देते हैं जिन्होंने एकदम इनकार किया कि पुलिस के डंडों से इनकी मौत नहीं हुई। हाँ, उस समारोह में हम लोग जा रहे थे और जाने के पहले ही भगदड़ मचा, और भगदड़ उसे गिरने के क्रम में उनका हो सकता है जबरदस्त कहीं फूट रहा हो, फिर उठे तो उसके बाद हम लोग थे तारा हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो हम मशीन पर चढ़ा लेकिन कोई उसका मशीन कोई जवाब नहीं दे रहा था, और पूछते उसे एक फिर मंगाए में था एम्बुलेंस, तो उनके साथ हम पीछे गए। आपका नाम परिचय जरूर। जी हम भरत प्रसाद चंद्र सिंह, भरत प्रसाद चंद्र सिंह, घर निजामदीपुर है जहाँ। विजय सिंह के साथी को हमने आपको सुनाया। लेकिन देर रात जो है करीब एक बजे रात में जो है पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सीसीटीवी के फुटेज उन्होंने प्रेस को दिया और क्या कुछ कहा है संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को क्या कुछ बताया, ये भी सुनना पटना की जनता के लिए बड़ा जरूरी है। उस संबंध में जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, उस फुटेज में ये भी स्पष्ट है कि उसमें न तो कोई पुलिसकर्मी वहां दिख रहा है, न किसी प्रकार का कोई भगदड़ वहां मची हुई है, सामान्य ट्रैफिक चलते हुए दिख रहा है। तो इस संबंध में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये सारी घटना ऐसी परिस्थिति में हुई, हम लोगों ने पूरी पारदर्शिता बरतते हुए प्रशासन ने, हमने जो है मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट कराया है, हमने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और साथ ही साथ पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी के लिए भी रिक्वेस्ट किया गया, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कराया गया है। तो अभी यही फैक्ट है। सुबह की जो घटना हुई थी उस संबंध में कोतवाली थाने में प्राथमिकी अंकित की गई है। इस पूरी घटना में 59 लोगों को जो है डिटेन किया गया था, जिनको बाद में रिलीज कर दिया गया। वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किया गया है, जो गांधी मैदान से छज्जू बाग की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें 13:22 पे जो मृतक है और उनके जो दो अन्य साथी हैं वो जाते हुए संपूर्ण स्वस्थ हालत में आपस में बातचीत करते हुए जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद जिस रिक्शे से उनको ले जाया गया है वो रिक्शा भी उस सीसीटीवी में 13:27 में दिख रहा है। स्थानीय जो साक्षी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के द्वारा ये बताया गया है कि जिस स्थान पर सीसीटीवी में उनको देखा जा रहा है उससे 50 मीटर आगे एक जो है ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं उनको गिरे हुए स्थिति में देखा गया। उसके बाद उनके जो साथी लोग थे उसी रिक्शे से उनको हॉस्पिटल ले गए। उस स्थान से हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया रिक्शे से, जाने में हम लोग ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि 5-6 मिनट का समय लगा होगा। ये जो पूरी घटना है वो 13:23 से उनके जो गिरने की घटना है, घायल गिरने की घटना है, अस्वस्थ होकर मूर्छित होकर। एसएसपी राजीव मिश्रा को, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार ने विजय सिंह की हत्या कराई है और ये सरकारी गुंडागर्दी है। बहुत तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। डीएम जो है चंद्रशेखर सिंह पटना के, उन्होंने 24 घंटे में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है कि वास्तव में कैसे उनकी मौत हुई विजय सिंह की। यहाँ तक कि पूरी एक मेडिकल टीम, क्योंकि मामला बहुत ऊंचे लेवल का था, मेडिकल टीम लगाई गई है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है उसकी, किस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है। तमाम भाजपा नेता जो है अस्पताल पहुंचे, दिग्गज नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लेकर सम्राट चौधरी, समाज हुसैन,
तमाम नेता वहां पहुंचे और भाजपा ने इसे अपने सम्मान का मुद्दा बनाते हुए कहा कि विजय सिंह की जो ये शहादत है पार्टी के लिए, ये बेवा नहीं जाएगी और 2025 और 24 में नीतीश को तो सत्ता छोड़नी है। अब देखना ये है कि क्या, पर इसी बीच हम आपको बता दें कि भाजपा ने 10 लाख रुपया जो है अपने उस पार्टी के कार्यकर्ता नेता को, उनके परिवार को दिया है। सम्राट चौधरी के मार्फत से ये पैसा दिया गया और उनके पूरे परिवार को जो है पार्टी ने गोद ले लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की जो रिपोर्ट आती है उसमें मौत का कारण क्या बताया जाता है, इस पर तो तमाम खबरिया चैनलों की नज़र आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विजय सिंह की मौत की जो गुत्थी है वो उलझ गई।